जौनपुर में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दो शिक्षिकाओं समेत 17 छात्र छात्राओं से भरी स्कूल वैन पलट गई। घटना में 5 बच्चे घायल हो गए, जबकि स्कूल वैन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर स्कूल प्रशासन से कोई भी नहीं पहुंचा, जिससे अभिभावकों में रोष फैल गया। गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर स्थित TDMC पब्लिक स्कूल की वैन धर्मापुर से बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल वैन में कुल 15 बच्चे व 2 शिक्षिकाएँ सवार थे। चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहा था और वैन की गति तेज थी। किरतापुर के पास स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। माना जा रहा है कि चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। मौके पर चीख पुकार सुनाई देने लगी। स्कूल वैन पलटने के बाद राहगीर और आसपास के गांव के लोग दौड़ पड़े। लोगों ने वैन के अंदर फंसे छात्र छात्राओं और शिक्षिकाओं को बाहर निकाला। वहीं इस दौरान चालक फरार हो गया। घटना में अभिनव, शिवांगी, प्रांजल, अंश और रियल को चोट आई है। घटना की जानकारी होते ही छात्रों के अभिभावक मौके पर पहुंचे और अपने बच्चों के इलाज के लिए ले गए। स्कूल की तरफ से घटनास्थल किसी के भी न पहुंचने पर अभिभावकों में काफ़ी रोष व्याप्त है।